प्रधानमंत्री नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह की करेंगे शुरुआत। 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह। देश भर के पंचायत और प्रखंड स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और तकनीकी और भारतीय भाषा सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कनाडा में असुरक्षित हैं भारतीय राजनयिक। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा हिंसा भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार। डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 को भी किया संबोधित। एशियाई खेलों के 7वें दिन आज टेनिस के मिश्रित वर्ग का फाइनल और स्क्वैश के पुरुष टीम का फाइनल खेलने उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। 6ठे दिन भारत ने 2 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने में पाई सफलता। भारतीय दल 8 स्वर्ण सहित कुल 33 पदक जीतकर खेलों में 4थे स्थान पर बरकरार। विश्व कप से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भारत का पहला अभ्यास मैच आज गुवाहाटी में भारत का इंग्लैंड से होगा सामना। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन